दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए चैनल में जिसका नाम है फुटबॉल समाचार। दोस्तों यहाँ पे आपको मिलेंगे फुटबॉल के मसालेदार फैक्ट्स और किस्से। तो ये होने वाला है हमारा आज का पहला वीडियो और इस वीडियो में हम बात करेंगे फिलहाल फुटबॉल में सबसे गर्मा गर्म टॉपिक के बारे में, जो है रियल मद्रिद और बार्सिलोना की मारामारी। हम सब ने दोनों क्लब्स की मारामारी ऑन पिच तो देखी ही है, लेकिन अब ये मारामारी ऑफ पिच भी होने लग गई है। जी हाँ, सही सुना आपने, लापोर्ता और पेरेस दोनों क्लब्स के प्रेसिडेंट अब मारामारी करने पे उतर आए हैं। तो जो लोगों को ये सब पता नहीं है उनको मैं विस्तार में बताना चाहूँगा। तो ये सब शुरू होता है एक महीने पहले, जब बार्सिलोना पे एलिगेशंस लगाए गए थे कि वो पैसे खिला रहे हैं रेफरीज को उनके फेवर में डिसीजंस देने के लिए। तो एलिगेशंस कुछ ऐसे थे कि बार्सिलोना रेफरीज को $7.5 million खिला रहे थे बिटवीन 2001 to 2018, ताकि वो रेफरीज बार्सिलोना के फेवर में अपने डिसीजंस दे। इन शॉर्ट, लो पैसा और हमको जिताओ, कुछ भी करो, अपने को नहीं पता, ऐसा कुछ सीन चल रहा था। ये एलिगेशंस थे, कुछ भी कंफर्म हुआ नहीं था। और ये एलिगेशंस में ये भी बताया गया था कि ये जो पैसा है 7.5 मिलियन, वो डायरेक्टली रेफरी लोग को नहीं दिया गया, वो एक कोई तो कंपनी थी उसको दिया गया, उनके थ्रू, वो कंपनी के थ्रू रेफरी लोग को दिया गया पैसा। और बोला कि भाई लो पैसा और कुछ भी हो दो, अपने इसमें आना चाहिए, अपने फेवर में डिसीजंस आने चाहिए रेफरी लोग के, ऐसा उन पे एलिगेशंस लगाए गए। और वो कंपनी का जो ओनर है उसका नाम आपने बहुत सुना होगा, उसका नाम है नाइग्रेरिया, शायद बराबर ही बोला मैंने, उसका नाम है नाइग्रेरिया, जो एक कमिटी का वाइस प्रेसिडेंट भी है। और वो कमिटी स्पेन में रेफरी लोग का जो परफॉर्मेंस, काम, रिपोर्ट्स होता है उस पर वो लोग का लुकआउट रहता है, उस पर वो लोग की जांच पड़ताल होती है, उस पर वो लोग काम करते हैं। वो स्पेशली कमिटी सिर्फ उसके लिए बनाई गई थी। और ये जो नाइजेरिया या नाइग्रेरिया है, जो भी उसका नाम हो, मुझे लेना नहीं आता, वो उस कमिटी का वाइस प्रेसिडेंट है। और इसका नाम आपने ये केस में या ये एलिगेशंस में बहुत सुना होगा, नाइग्रेरिया केस करके भी बहुत सुना होगा आपने ये पिछले 2-3 महीनों में। तो देखो भाई, सीधा साधा हिसाब है, बार्सिलोना और रियल मद्रिद दोनों ही बहुत बड़े जायंट क्लब्स हैं इन फुटबॉल एंड इन स्पेन। तो जब एक क्लब के लबड़े लग रहे हो तो दूसरा क्लब पीछे तो रहेगा नहीं, क्योंकि दोनों ही बहुत तगड़े राइवल्स हैं। बार्सिलोना और रियल मद्रिद की राइवलरी फुटबॉल हिस्ट्री में सबसे बड़ी मानी जाती है। तो जब बार्सिलोना को एलिगेशंस लगाए गए, तब रियल मद्रिद पीछे कैसे हटेगा? तो आ पड़ा सबसे पहले गांड में उंगली करने को। तो रियल मद्रिद ने, जैसे ही बार्सिलोना पे एलिगेशंस लगाए गए, रियल मद्रिद ने कुछ स्टेटमेंट्स इशू किए। और बेसिकली ये जो रियल मद्रिद ने स्टेटमेंट्स निकाले थे, वो इन शॉर्ट बार्सिलोना पे जो एलिगेशंस लगाए गए हैं उसको एग्री कर रहे थे। लाइक हाँ, बार्सिलोना एक करप्ट क्लब है, हाँ बार्सिलोना खराब क्लब है, ऑफकोर्स ये दोनों राइवलरी है तो एक दूसरे के लिए ऐसा अप्रोच होना लाइक ऑब्वियस ही है, लेकिन एक क्लब ने ये करना नॉट एक्सपेक्टेड। लाइक कोई फ़ैन कर रहा है कि हाँ, रियल मद्रिद वाला फ़ैन बोल रहा है कि बार्सिलोना गंदा क्लब है, करप्ट क्लब है या जो भी हो, तो ठीक है, लेकिन एक ऑफिशियल स्टेटमेंट बाय द क्लब और द प्रेसिडेंट इट्सेल्फ फॉर द अनदर क्लब, फिर वो कितनी भी बड़ी राइवलरी हो, आई डोंट थिंक सो ये लाइक एथिकल है और एक्सेप्टेबल है। बट दीज आर माई पर्सनल व्यूज़। ऑल्सो आपने ये पूरे कांड में, ये जो भी पूरा कांड हुआ है, जो भी मारामारी चल रही है, जो भी मैटर चल रहा है, ये पूरे सीन में आपने एक नाम बहुत ज़्यादा सुना होगा, ये बहुत फेमस लेकिन ख़राब व्यक्ति का नाम है, ऐसा लोग कहते हैं, उसका नाम है तेवास। ओके, ये है कौन? तो तेवास ला लीगा का प्रेसिडेंट है, और फैंस और बहुत से मेंबर्स और बहुत से लोगों का ये कहना है कि तेवास हमेशा से ही
लाइक बहुत पहले से रियल मद्रिद के फेवर में डिसीजंस लेते आया है या फिर रियल मद्रिद के फेवर में रहा है, और वो हमेशा से बारसा का बारसा से वो बहुत बायस्ड रहा है, ऐसा बहुत लोगों ने बोला है, बहुत फैंस मानते हैं, इवन रियल मद्रिद के फैंस भी कभी कभी ये मानते हैं कि हाँ वो बारसा से बायस्ड रहता है या फिर उसको बारसा पसंद नहीं है। डोंट नो एक प्रेसिडेंट को एक क्लब पसंद ना होना क्या इट डजेंट मीन एनी थिंग, इट डजेंट मेक एनी सेंस, बट येस बहुत बार ये भी देखा गया लोग तेवास ने एक बार ये बोला था कि बारसा कब तक ही रहेगी, अंटिल वैन इट विल एग्जिस्ट। सो येस वी कांट कंक्लूड इट कि उसको पसंद नहीं है बारसा या फिर वो हेट करता है बारसा से। इट माइट बी अ ह्यूमरस वे टू जस्ट रोस्ट अ क्लब और टू जस्ट इंसल्ट और डिमोट अ क्लब, बट इट मे बी और मे नॉट बी द थिंग वॉट एवर इट इज सेड अबाउट तेवास। इन शॉर्ट ये पूरे कांड में तेवास दुर्योधन है हम ये कह सकते हैं, क्योंकि ये पूरे कांड में तेवास का नाम बार बार आ रहा है और कुछ ना कुछ जो भी हो रहा है तेवास के इर्द गिर्द ही हो रहा है, और तेवास ने ही ये पूरे एलिगेशंस को पुश किया और इंस्पेक्शंस रखे और खींचा जो भी बार्सिलोना पे लगाए गए हैं, ये हमेशा से देखा जा रहा है और बताया जा रहा है कि तेवास ने ये एलिगेशंस को पुश किया, तेवास ने ये एलिगेशंस निकाले, तेवास ने ये सब किया। इन शॉर्ट तेवास ही बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है एज अ नेगेटिव पर्सन इन दिस होल सिनेरियो। ऑल्सो ये पूरे कांड में हो क्या रहा है, ये पूरे कांड में बार्सिलोना के इमेज के लवड़े लग गए और कुछ नहीं, बार्सिलोना डिमोट हो जा रही है, बार्सिलोना पे और कुछ ना कुछ एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, और भी बड़े बड़े जो लोग हैं जैसे तेवास हो गया, वो नाइजेरिया नाइग्रेरिया जो भी हो वो हो गया, ये सब लोगों के नाम आ रहे हैं, लापोर्ता हो गया क्योंकि लापोर्ता बार्सिलोना का प्रेसिडेंट है, तो इसकी वजह से जो लापोर्ता है बार्सिलोना का प्रेसिडेंट है उन्होंने दो दिन पहले एक कॉन्फ्रेंस ली जिस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने खुद की इनोसेंस दिखाने के लिए कि खुद उन्होंने कुछ नहीं किया या बार्सिलोना गलत नहीं है, कुछ गलत नहीं कर रही है, खुद को प्रूव करने के लिए उन्होंने मोर देन 600 रिपोर्ट्स रिप्रेजेंट किए वहाँ पे एंड 43 वीडियो रिपोर्ट्स वहाँ पे दिखाए। इन शॉर्ट उन्होंने, मैं ठीक से बताता हूँ, वो टाइम पे वो कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये बोला कि हाँ हमने पे किया 7 मिलियन या जो भी अमाउंट है हमने वो पे किया, वो अमाउंट आप हमारे फाइनेंशियल रिपोर्ट में देख सकते हो, वो अमाउंट हमने वहाँ पे डाली है, अगर हम लोग ऐसा कुछ भी चीटिंग करते तो हम लोग वो अमाउंट वहाँ पे डालते ही क्यों, राइट? सो वो अमाउंट हमारे ऑफिशियल अकाउंट्स में है। सेकेंडली हमने पे किए हैं और वो सब इंस्टीट्यूशन या रेफरीज को पे किए, लेकिन कोई चीटिंग करने के लिए हमने पे नहीं किया, हमने पे किया ये जो भी वीडियो रिपोर्ट्स और रिपोर्ट्स आपके सामने है 600 प्लस रिपोर्ट्स एंड 43 वीडियो रिपोर्ट्स उन्होंने दिखाए, ये वीडियो रिपोर्ट्स और रिपोर्ट्स के लिए हमने पे किए थे कि रेफरी ला लीगा के रेफरीज या फिर स्पेनिश रेफरीज जो भी है वो कैसे वर्क करते हैं, कैसे उनके टैक्टिक्स है, कैसे वो लोग नोटिस करते हैं, इन शॉर्ट पूरा रेफरीशिप कैसे करते हैं, वो उसकी वीडियोज़ एंड ऑल उन्होंने मांगी थी, जो कि टोटली लीगल है ये प्रैक्टिस कि रिपोर्ट्स मांगना रेफरीज से कोई भी ले सकता है, कोई भी क्लब कर सकता है, और उसके लिए ही हमने पे किया था 7 मिलियन या जो भी है, हमने कोई इलीगल प्रैक्टिस की नहीं थी, हमने ये रिपोर्ट के लिए ही सिर्फ पे किया था, तो हम लोग टोटली लीगल काम कर रहे थे, लेकिन हमको डिमोट करने के लिए, हमारा इमेज गिराने के लिए ऐसा एलिगेशंस हम पे लगाए गए हैं, हमने कोई रेफरी फिक्सिंग की नहीं थी। उल्टा लापोर्ता ने ये बोला कि तेपाज या तेपेज जो भी उसका नाम है, साला नाम ही इतने गंदे होते हैं ये लोग के, क्या बोलूँ, कोई रमेश सुरेश रख लो अच्छा रहता है, तो जो भी वो प्रेसिडेंट है ला लीगा का वो हमेशा से ही रियल मद्रिद के फेवर में काम करता आया या फिर रियल मद्रिद के फेवर में ही डिसीजंस लेता आया है हिस्टोरिकली, पहले से वो हमेशा से रियल मद्रिद को सपोर्ट करता आया है, ये बार्सिलोना के प्रेसिडेंट लापोर्ता ने कॉन्फ्रेंस में कहा था।
ऑल्सो उन्होंने एक बात क्लियर की, ESL के हम हमेशा फेवर में है, हम हमेशा ESL को सपोर्ट करेंगे, वो हम डिनाई नहीं करते। दैट मीन्स कुछ भी हो जाए, बार्सिलोना जो रियल मद्रिद और बार्सिलोना ने स्टार्ट करने को ट्राई किया था ESL, वो सुपर लीग, इफ़ आपको नहीं पता होगा हम उसके ऊपर और एक वीडियो बनाएंगे कि वो डिटेल में क्या था टॉपिक, क्योंकि सब लोग भूल गए, सबको लगा वो ख़त्म हो गया, लेकिन अगर इतने बड़े क्लब्स वो टॉपिक होल्ड करके रखे हैं मतलब आगे कुछ होने के चांसेस है। तो वो टॉपिक पे हम आगे और एक वीडियो बनाएंगे, कमेंट में बता देना अगर आपको उसके ऊपर एक डिटेल रिव्यू या डिटेल वीडियो चाहिए हो। तो उन्होंने ऐसा कंफर्म किया कि हम ESL को अभी भी सपोर्ट करते हैं। इन शॉर्ट क्या है, मारते रहे, मालूम पड़ा सामने वाला क्लब भी बहुत बड़ा है, वापस एक बार मारेगा अपनी, इसलिए उन्होंने एक छोटा सा टिचकी दे दिया कि बाबा नहीं, इतना भी हम लोग आपकी मार रहे नहीं है, थोड़ा सा फ्रेंडशिप कर लेते हैं, ऐसा इन शॉर्ट, बाकी कुछ नहीं, इसलिए ESL को अभी भी वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं। थर्डली लापोर्ता ये भी बोला कि जो भी प्रैक्टिसेस की गई है, जो भी पेमेंट की गई है, वो हमने अपने बुक्स में भी दिखाई है और उसके इंस्पेक्शन करने भी बोला है, हमने कुछ भी छुपाया नहीं है, कोई भी अकाउंटिंग छुपाई नहीं है हमने, अगर हम इनोसेंट नहीं होते, अगर हम गिल्टी होते तो हम छुपाते, हम ऐसे खुलेआम लिख के नहीं रखते कि 7 million, दिस इज़ नॉट अ स्मॉल अमाउंट, 7 million इज़ अ ह्यूज अमाउंट टू बी नोटेड इन अ बुक इन अकाउंट्स, सो हमने कुछ किया नहीं है। और वही कॉन्फ्रेंस में लापोर्ता ने यह भी क्लियर किया कि जो जो लोगों ने मेरे इमेज को और बार्सिलोना के इमेज को डिफेम करने के लिए, हमें डिमोट करने के लिए आर्टिकल्स छापे विदाउट एनी प्रूफ, कुछ भी कन्फर्म नहीं हुआ था, हम गिल्टी प्रूफ हुए नहीं थे, तो भी जिन जिन लोगों ने आर्टिकल छापे, जिन जिन लोगों ने हमें डिफेम करने की कोशिश की, हमें करप्ट क्लब, हमें गंदा क्लब बोलने की कोशिश की, आई विल सू देम इन द कोर्ट। लाइक वो बोला कि मैं एक एक को कोर्ट लेके जाऊंगा और उनकी गांड मारूंगा, मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। ऑफकोर्स बराबर ही है, लाइक अगर कोई भी क्लब या फिर कोई भी इंसान प्रूव नहीं हुआ है कि उसने गलत किया है, तो भी अगर सब लोग, मीडिया हो या जो भी हो, वो क्लब के लिए या वो इंसान के लिए गलत सलत छाप रही है और खुद ही कंक्लूजन ला रही है, कोर्ट ने लाने से पहले या फिर वो गलत प्रूव होने से पहले खुद ही कंक्लूजन ला रही है, तो वो इंसान चुप तो नहीं बैठेगा ना कि लाइक हाँ भाई हो गया, आई एम इनोसेंट, बस बस बस, वो ऐसा पीस आउट वाला पर्सन तो रहेगा नहीं, उसका दिमाग सटकेला रहेगा, वो यही बोलेगा कि मैं सही हो जाऊँ प्रूफ या गलत हो जाऊँ प्रूफ, मैं तुम लोग की मार के ही रहूँगा, मैं तुम लोग की ठासूंगा अच्छे से, जो कि बराबर था लापोर्ता का। और यही कॉन्फ्रेंस में लापोर्ता ने सेकेंडली ये भी बोला कि रियल मद्रिद फेवर होते आया है हमेशा से ही हिस्टोरिकली, और रियल मद्रिद हमेशा से सपोर्ट, मतलब रियल मद्रिद को हमेशा से सपोर्ट मिला है, फिर वो ला लीगा से हो, वो तापेश तुपेश जो भी है वो ला लीगा का प्रेसिडेंट उससे हो, या फिर हिस्टोरिकली कोई पहले था उनसे हो, इन शॉर्ट मतलब मुझे लगता है ये फुकट का गान मस्ती किया लापोर्ता ने। लाइक बाकी सब पॉइंट्स लापोर्ता ने बराबर किए, जो भी बोला एकदम परफेक्ट था, फिर वो पर्सनल पर्सपेक्टिव से हो या फिर इन जनरल पर्सपेक्टिव से हो, बराबर था लापोर्ता का कहना जो भी था। बट जो ये लास्ट में, मतलब लास्ट में नहीं, बट जब भी ये लापोर्ता ने बोला कि रियल मद्रिद ये कर रहा है वो कर रहा है, या रियल मद्रिद को बहुत सपोर्ट मिला है, बहुत लोगों ने रियल मद्रिद को फेवर किया है हिस्टोरिकली पहले, ऐसा मुझे लगा कि पर्सनली, दीज आर माई पर्सनल रिव्यूज फॉर नाउ, कि ये बोलना लाइक अभी फिलहाल के लिए ज़रूरी नहीं था, क्योंकि दिस शोज कि यू आर नॉट सीरियस अबाउट योर थिंग्स विच आर गोइंग ऑन राइट नाउ। लाइक खुद के लवड़े लगे पड़े हैं भाई, देख लेना खुद की तरफ, क्यों दूसरे पे जाना है, वो ठीक है, वो तेरी मारेगा चलेगा क्योंकि उसका कुछ नहीं है, तेरे लग रहे वो बीच में आग में घी डाल रहा है, बाकी कुछ नहीं कर रहा है, तू आग पे पानी डालना अपने, तू काई को उसके इधर आग लगा रहा है भाई, देखना खुद का सॉर्ट कर, वो जो भी तूने प्रूफ्स लाए और थोड़ा ठोस बना खुद के केस को और जीत केस और फिर मारते बैठ। मतलब मेरा कहना ये है, तुम लोग की राइवलरी है ना, बाद में जाओ मारामारी करो, वो पारेस पीरेस जो भी उसको भर भर भेंचोत में तो बोलते हैं, लेकिन बाद में पहले खुद को इनोसेंट प्रूफ कर ले, फिर जो भी करना है कर, ये सब गान मस्ती अभी करके कुछ नहीं होने वाला भाई। और दूसरी बात, दूसरे को बोलने से पहले खुद को देखो, खुद के ऊपर लगे वो सब क्लियर कर लो, बाद में देखा जाएगा। लेकिन जैसे ही ये कॉन्फ्रेंस बाहर आई, सबने सुनी, लाइक वायरल हुई या जो भी हो, पब्लिश हुई,
उसके ऊपर रियल मद्रिद का रिएक्शन तो वैसे बट ऑब्वियस सबको ही मालूम था, आना था तो आया, और रियल मद्रिद ने एक वीडियो लॉन्च किया, एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें वो लोगों ने ये दिखाया कि हाउ बारसा एक्चुअली गॉट सपोर्टेड हिस्टोरिकली, हाउ एवरी वन वॉज इन फेवर ऑफ बारसा इन हिस्ट्री और हिस्टोरिकली, और रिजाइम क्लब एंड ऑल ब्ला ब्ला शिट जो भी है, मतलब इन शॉर्ट ये वीडियो में वो उन्होंने पूरी बार्सिलोना की हिस्ट्री कैसे वो सपोर्ट किए गए, कैसे फेवर्ड थे बार्सिलोना इन हिस्टोरिकली, जो जो भी है वो सब दिखाया, और कुछ नहीं बेसिकली। ये दोनों क्लब्स की अभी कैट फाइट चालू है, कोई एक कोल्ड वॉर टाइप चले कि भाई तेरे को सपोर्ट किया, तेरे को फेवर किया, नहीं भाई तेरे को किया, तेरे को किया, इतना ही चल रहा है अभी फ़िलहाल में तो। ये इसके अलावा और कुछ नया चल रहा नहीं है, और जो भी वो लोग का लीगल चल रहा रहेगा बार्सिलोना का इन्वेस्टिगेशन वो होगा और कुछ नहीं। और इन कंक्लूजन टू दिस टॉपिक, नॉट दिस टॉपिक बट इन कंक्लूजन टू दिस वीडियो स्पेसिफिकली, दिस आर माई पर्सनल व्यूज आफ्टर ऑल, तो मुझे लगता है कि ऐसा भी हो सकता है, लाइक अ पॉसिबिलिटी, आई एम जस्ट कोटिंग अ पॉसिबिलिटी नथिंग एल्स, कि बार्सिलोना ने लाइक ऑफकोर्स इतना बड़ा क्लब है, शाना क्लब है भाई, छोटा मोटा क्लब नहीं, शाना क्लब है वो, तो बार्सिलोना ने जब लाइक मुझे ये कहना कि हाँ बार्सिलोना आर गिल्टी, ये एक पर्सपेक्टिव से मैं बोल रहा हूँ। सो जब बार्सिलोना ने पैसा दिया रेफरी लोग को कि ये लो भाई ठीक है हमको फेवर व्यूअर में हमारे फुल हमको जीतना चाहिए, रेड कार्ड वेड कार्ड पेनल्टी विनल्टी दो, अपन तो देखते ही ये वो सब होता है, तो पेनल्टी भी इन शॉर्ट हमारे फेवर में आपका रेफरीशिप होना चाहिए, बार्सिलोना ने ऐसा किया जो भी एलिगेशन से, तो हाँ रेफरी लोग बोले ठीक है वॉश हो जाएगा आपका काम जो भी है, बराबर से पैसा दो भाई, 7 मिलियन में नहीं होएगा, 7.4 चाहिए अपने को, फिर वो इधर उधर से घुमा घुमा के दिया ठीक है। लेकिन फिर बारसा बोला कि भाई कल को मालूम पड़ गया दुनिया को कि भाई ऐसा हो रहा है तो अपने लग जाएंगे, ठासेंगे पब्लिक अपने को नहीं क्या, तो बार्सिलोना बोलता है कि भाई वो कुछ रहता है ना लीगल वीगल रिपोर्ट विपोर्ट वो भेज अपने को, तो रेफरी लोग बोले काई को वो तो हमारा चीज़ है, मतलब मिल सकता है ऐसा कुछ लफड़ा नहीं उसमें, वो तो लीगल है तो उसके लिए भेजना तू, कल को मालूम पड़ेगा लोगों को कि बार्सिलोना ने पूरा ऐसा भाई था पैसा वैसा दिया था फुल, मेस्सी ने 3 बैलेंडर उठाया है, मतलब ऐसा नहीं तो मेस्सी ने 3 बैलेंडर उठा, अरे वापस बोला रे, तो मतलब इन शॉर्ट जिताया समझा बार्सिलोना को रेफरी लोग ने इतने साल, वो ऑलमोस्ट 20 ईयर्स लाइक 2001 से लेकर 2018 तक, तो इसका मतलब बार्सिलोना का ना चैम्पियनशिप रहा ना बार्सिलोना का इतने लीग ट्रॉफीज, इतने सारे ट्रॉफीज़ जो जीते बार्सिलोना ने लाइक ला लीगा वगैरह जो भी जीते, और सबसे इम्पोर्टेंट भाई मेस्सी के 3 बैलेंडर जो भी उसने ढापे ले सॉरी जीते ले ठीक है, वो सब लाइक एक क्वेश्चन बन जाएगा, एक डाउट आएगा लोगों के इस छाला ये सब सच था कि नहीं, फिर समझा फिर गोट डिबेट तो बनता ही नहीं है, है ना, ऐसा बोल रहा हूँ मैं, एक पर्सपेक्टिव है, एक ऐसा कुछ नहीं है समझो मत, तो ऐसा इसलिए लाइक टू डिफेंड लाइक वो लोगों ने तैयारी करके रख दिया था, मेरा ये कहना है लाइक देखो भाई क्राइम पेट्रोल सब देखते रहेगा तो तुमको मालूम है चोर हमेशा शातिर होता है, वो क्या है वो चूतिया डायलॉग है पुलिस लोग के, कुछ ना कुछ सुराग छोड़ा रहेगा, कुछ नहीं ऐसा है तो 6-6, 8-8 महीने लगते नहीं भाई लोग, तो कुछ ना कुछ सुराग नहीं छोड़ते हैं साला, तुम लोग बनाते हो सुराग, तो वैसा ही है चोर ना सब चाकू भी कुछ साफ करके जाता है, तो वैसा ही साफ किया है ये सब बार्सिलोना ने मेरे हिसाब से भाई ठीक है, पैसा दिया रिपोर्ट लेके रखा, बोला अभी तुम चीटिंग करो जो तेरे को रेड कार्ड देना है पेनल्टी देना है फुकट का वो सब दे भाकल सामने वाले के प्लेयर को, हम लोग को जीता, और कल को पुलिस ने मतलब इन शॉर्ट लोगों को समझा या फिर कोई कमेटी को समझ गया कि अपन ने रेफरी फिक्सिंग वगैरह जो भी है वो सब किया था, तो मैं ऐसा ये ले रिपोर्ट है इसका 7 मिलियन भरा जो भी है बता देगा, तू भी बोलना हाँ हम लोग ने वो रिपोर्ट दिया था वो तुम भी ले सकते हो, ये भी आपके अपना रियल मद्रिद वाला भी ले सकता है, ये वाला क्लब भी ले, सब क्लब ले सकते हैं, लीगल है उसमें क्या, इतना हो गया अपन इनोसेंट प्रूफ, कोई झंझट नहीं रहेगा, ऐसा हो सकता है, अभी मेरा शातिर माइंड है भाई, पूरा 10 साल की उम्र से अपन CID देखेला है तो ACB प्रद्युमन जैसा दिमाग हो गया, इसलिए मेरा पर्सपेक्टिव बना कुछ क्लिक हुआ कि ऐसा हो सकता है ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ हो भी सकता है वो इनोसेंट ना हो, बट हु नोस,
तो यही पे ये वीडियो समाप्त होती है। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर कुछ गलत बोला हो मैंने या फिर कुछ गलत आपको लगा हो तो प्लीज़ कुछ भी इम्प्रूवमेंट्स हो आपकी तरफ से, कुछ भी सजेशंस हो हमारे वीडियो के लिए, तो प्लीज़ वो सब कमेंट्स में बताएं। मैं टोटली उसको देखूंगा और वो अप्लाई करने को पूरा ट्राई करूँगा। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।